केजरीवाल जी जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है, चाहे वो अपने बच्चों की कसम खाएं, चाहे मतलब कुछ भी बोले उसका उल्टा ही होता है। तो वो तो बहुत झूठा आदमी है, हर बात पे झूठ बोलता है। बिल्कुल खोखले वादे नजर आ रहे हैं। आप पता कीजिए, हर चौथे मकान में कोई ना कोई पेट की बीमारी से परेशान है। ये आप देखिए, अप्रैल, ये 2 अप्रैल 2022 को लिखा। अब कितना मैडम आप देखिए, 7,708 मेरा अप्रैल का बिल है मैडम। अब आप देखिए, पानी भी मैं बाहर से ला के पी रहा हूँ, ठीक है जी, और दुकानों से पानी ला रहा हूँ, और सरकार कितना दे रही है फिर भी मुझे, बताइए 7,708 रुपये मुझे वो पानी का बिल भी भेज रही है। जब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार आई है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। मैडम पिछले 4 दिन से यहाँ पानी नहीं आ रहा है, और जो पानी 5-10 मिनट के लिए अगर पानी आ भी रहा है तो बदबूदार गंदा पानी आ रहा है। देखिए मेरे कितनी नहाने की वजह से, उस पानी की वजह से एलर्जी है, और ये कई दिन से मैं इसकी दवाई ले रहा हूँ लेकिन एलर्जी ठीक नहीं हुई। यहाँ खूब फूक रहा है जी, जनता का लूट रहे हैं, लूट रहे हैं बिल्कुल जी। ये तो झूठे वादे हैं कि पानी फ्री है, ये फ्री है, क्या फ्री है, कुछ भी नहीं है फ्री। गंदा पानी का प्रेशर आएगा बिल्कुल सटीक, और जब साफ पानी आएगा तो बिल्कुल जरा जरा सा आएगा, एक एक बूंद जी। हाँ ठीक है। और चार महीने से टंकी नहीं भरी गई है बिल्कुल। अब कहने का तो 200 यूनिट फ्री है। हाँ। और बिल आ रहा 4,000, 3,500, 5,000 जी। हाँ मतलब 200 यूनिट फ्री है, फिर भी बिल इतना आ रहा है जी। जो कि यहाँ के पानी ना पी तो सकते ही नहीं है, यहाँ तक उसको टॉयलेट में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इतना गंदा पानी, बदबू होती है इतना गंदा, और बदबू भी कौन सी सीवर वाली बदबू, बिल्कुल हर घर में बिल आता है, हर घर में आता है। कितने का बिल आ जाता है? बिल मेरे यहाँ 3 मीटर लगे हुए हैं, 6,000, 7,000, 6,000, 7,000 का पर मंथ का है। इस वक्त मैं दिल्ली के कल्याणपुरी में हूँ। कल्याणपुरी का 8E ब्लॉक लगता है, वार्ड नंबर 8E है। देखिए जिस तरीके से हम सर्वे कर रहे हैं दिल्ली का, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, झूठे वादे करके चुनाव जीत जाते हैं, फिर उसके बाद वो आकर पलट कर भी नहीं देखते हैं कि जनता को कितनी परेशानी हो रही है। जो पानी की समस्या दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है, उसी पर देखिए मैं जगह जगह जाकर दिल्ली के एरियाज में छानबीन कर रही हूँ, लोगों से बातचीत कर रही हूँ, और जान रही हूँ कि कितने परेशानियों से वो जूझ रहे हैं पानी के कारण, क्योंकि पानी साफ नहीं है और फिर पानी समय से आ भी नहीं रहा है। मुश्किल से 1 घंटा पानी आता है और उसके बाद फिर गंदा पानी आता है, जो कि ना पीने में इस्तेमाल हो पाता है ना ही घरेलू काम में। और देखिए कई लोग जो थे, हमारे जो पुराना वीडियो आपने देखा होगा त्रिलोकपुरी का, जब मैंने वहाँ से बनाया था पानी की समस्या को लेकर ही, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं जो है वाला जो ऐसा एरिया है वो कवर कर रही हूँ जहाँ पर सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, त्रिलोकपुरी बड़ा एरिया है, बड़ी जनसंख्या में लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक भी है। अब ये कल्याणपुरी का 8E वार्ड है, और यहाँ पर भी देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक, और तमाम लोग यही आपको बता देंगे कि ये कैसा एरिया है और यहाँ पर नेता आते हैं या नहीं आते, और आते हैं तो किस तरीके के वादे करके जाते हैं, और कैसा पानी यहाँ पर आता है। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजेंद्र धवन है जी। क्या कहेंगे सर अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरीके से वादे कर रहे थे, खोखले वादे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल खोखले वादे नजर आ रहे हैं। आप पता कीजिए, हर चौथे मकान में कोई ना कोई पेट की बीमारी से परेशान है, किसी को पीलिया है, किसी को पेट में इन्फेक्शन है, किसी को किडनी का रोग है, ये सभी का सभी जो है ये पानी की, जो गंदे पानी की सप्लाई है उसके कारण हो रहा है। अच्छा हाँ, पानी तो वो साफ दिखाई देता है, लोग बाग भर भी लेते हैं, लेकिन जब हम पीते हैं तो वो बोरिंग का पानी होता है, जमीन का पानी होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पेट में जो है वो अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है। तो केजरीवाल जी जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है, चाहे वो अपने बच्चों की कसम खाएं, चाहे मतलब कुछ भी बोले उसका उल्टा ही होता है। जैसे उन्होंने बोला जी, मैंने कश्मीरी पंडितों को, शिक्षकों को नौकरी, 233 लोगों को, लेकिन जब शिक्षक संघ ने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल ने तो इसका विरोध किया है, शिक्षक संघ का विरोध किया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस केस को पास किया है, और तब जाके उन 233 लोगों को जो है वो नौकरी मिली है जी। तो वो तो बहुत झूठा आदमी है, हर बात पे झूठ बोलता है जी। पानी को लेकर कितने वादे किए दिल्ली में और कितने पूरे किए? एक भी वादा उसका पूरा नहीं है। शीला दीक्षित के समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो पानी सब बहुत बढ़िया आता था, कभी किसी को 1 गैलन भी पानी मार्केट से नहीं खरीदनी, आज हर घर में 1-1 गैलन मार्केट का, मार्केट में एक दुकान अलग से बन गई है पानी खरीदने की। यानी पहले तो बिस्लेरी का पानी 1 बोतल का आदमी 1 लीटर का खरीदता था, आज पूरी 20 लीटर की गैलन वो उसको मजबूरन खरीदनी पड़ रही है। और कल्याणपुरी हो या उसका झुग्गी क्लस्टर हो, उन सब में सभी लोग 1-1 बोतल 2-2 बोतल जिसके जैसे कैपेसिटी है वो लोग खरीद रहे हैं।
तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये कहता है पानी फ्री है, बिल्कुल पानी फ्री नहीं है। मेरे घर में दो बोतल यूज होती है। आप ये मान लीजिए कि 30 रुपये के हिसाब से भैया ने बताया, 30 रुपये मेरे को तो 40 रुपये देता है, तो 90 30 दुनी 60 होता है, और 60 की अगर मैं 3 से गुणा कर लूँ तो 1800 रुपये का मैं पानी एक महीने का पी जाता हूँ। जबकि सीलत डिस्ट्रिक्ट के समय का जो बिल आता था वो 2 महीने का बिल आता था, और लेकिन इसने तो बिल्कुल एक एक महीने के बाद ये बिल देना चालू कर दिया। अब एक महीने का मेरा केवल पीने पीने का पानी 1800 रुपये है, और मुझे कपड़े भी धोने हैं, मुझे बाथरूम टॉयलेट भी यूज़ करना, तो सोचिए कितना पानी ये लगता होगा। उसका अलग बिल देते हैं और इसका बिल देते हैं। ये अभी आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा अप्रैल का बिल आया है, पानी का बिल है, पानी का बिल है। ये आप देखिए, अप्रैल, ये 2 अप्रैल 2022 को लिखा। अब कितना मैडम आप देखिए, 7708 मेरा अप्रैल का बिल है मैडम। अब आप देखिए, पानी भी मैं बाहर से ला के पी रहा हूँ, ठीक है जी, और दुकानों से पानी ला रहा हूँ, और सरकार कितना दे रही है फिर भी मुझे, बताइए, 7708 रुपये मुझे वो पानी का बिल भी भेज रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी को ही इतना लूट रहे हैं, या फिर क्या वादे नहीं पूरे कर पा रहे? ये पहली बात तो आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी है उसकी सरकार नहीं है। अभी हमने पंजाब में देखा, इनका जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है, लेकिन पंजाब में इन्होंने 5 सांसद भेजे हैं। वो सांसद कौन है? कोई अरोड़ा है, कोई गुप्ता है, कोई क्या है, लेकिन एक भी व्यक्ति जो है वो दलित नहीं है। मतलब अपने बोर्ड पे इन्होंने साइन तो झाड़ू का लगा रखा है। आप दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में 3 सांसद भेज रखे हैं, 2 गुप्ता भेज रखे, 1 संजय सिंह ठाकुर भेज रखा है। इसमें भी अब टोटल 8 सांसद हैं, 8 सांसद में एक भी व्यक्ति कोई दलित समाज का नहीं है। तो ये तो केवल एक नाम मात्र के लिए लिखते हैं कि हम आम आदमी हैं, जबकि ये बहुत खास आदमी है। अभी आपने देखा कि पंजाब के अंदर किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने बिना सीएम की अनुमति के और बिना वहाँ के जो बिजली मंत्री हैं उसकी अनुमति के पंजाब के अंदर, जहाँ ये मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ जाके उनके साथ, उनके सचिवों के साथ बैठक करता है। तो आप ये देखिए कितना बड़ा गोल घमल कर रहा है, इसका पता नहीं है। अच्छा, फ्री का जो ये देते थे, फ्री का खजाना खत्म हो गया है इसलिए कुछ सही से नहीं दे पा रहे, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए दिल्ली में क्या था, कब तक देंगे, जब फ्री होगा तभी तो देंगे। दिल्ली में क्या था कि दिल्ली में इसके पास जो है मात्र केवल जो है वो 20 या 30% इस पर काम है। मैं आपको बता दूं, बाकी 70% काम जो है वो केंद्र सरकार के पास है, जैसे हाईवे है, पेरिफेरल है, अभी वो हमारा कालिंदी कुंज वाला जो वो बनाया है, कुंडली वाला बनाया है। आप एमसीडी में आ जाइए, एमसीडी में भाजपा की सरकार है, क्या काम नहीं करती? भाजपा की सरकार जो है सफाई का काम करती है, नाली का साफ सफाई का काम करती है, जो डेंगू होता है उसका काम करती है, और तो और कोरोना में अगर कोई भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो भाजपा शासित जो एमसीडी के वर्कर है, जिसको हम डीवीसी वर्कर बोलते हैं, वो लोग घर घर जा जा के जो है वो कोरोना की दवाइयाँ वगैरह वो बांट रहे हैं। केजरीवाल जी तो कोई काम ही नहीं है, केवल 20% काम है, और क्या है वो भी उसने घाटे में कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड, जब मुख्यमंत्री आया था तो दिल्ली जल बोर्ड घाटे में नहीं था, आज लगभग 18 हज़ार करोड़ रुपये के घाटे में है। डीटीसी घाटे में नहीं थी, आज डीटीसी घाटे में है, ठीक है। बिजली ऑलरेडी पहले से प्राइवेट है, ठीक है जी, तो पर भी इतना कर्ज है, कर्ज बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन पे कर्ज है, और इस कर्ज को ही वो गोलमोल कर रहा है। जो एफडी जितनी भी थी जल बोर्ड की, वो सारी एफडी इसने तोड़वा दी, और सारा पैसा जो है कभी पंजाब में लगा रहा है, कभी कहाँ लगा रहा है। एमसीडी वर्करों को इनकी सैलरी नहीं देता सारा पैसा, और इनको क्लेम कर देता है, जैसे अभी 13,000 करोड़ रुपये है, इसको इसने दिया नहीं, इसने फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप देते क्यों नहीं, तब इसने जो है लगभग जो है 5,000 करोड़ के आसपास इसने रिलीव किया। तो ये काफ़ी सारी है समस्या। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैडम मेरा नाम रोहित कुमार है, और मैं इस क्षेत्र का एक निवासी हूँ, लेकिन जब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार आई है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। यदि आज अगर वो अपने दिल्ली की जनता के लिए ठीक से काम करें, उनके विधायक ठीक से काम करें, तो मुझे लगता है कि इस पानी की समस्या से निजात मिल सकती है, लेकिन वो काम करने के लिए राजी नहीं होते। क्षेत्र की जनता उनके विधायकों के ऑफिस जाती है, लेकिन वो वहाँ से निकलने के लिए राजी नहीं होते, और ज़्यादातर टाइम तो अपने विधायक ऑफिस में होते ही नहीं है। यहाँ से क्षेत्रीय विधायक कुलदीप कुमार मोनू है, और जिस जगह आप खड़ी हैं इस जगह से निगम पार्षद बंटी कुमार गौतम जी है, लेकिन वो जनता को केवल और केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं और काम नहीं कर रहे। ठीक है, पानी कितने दिन से यहाँ नहीं आ रहा है? मैडम पिछले 4 दिन से यहाँ पानी नहीं आ रहा है, और जो पानी 5-10 मिनट के लिए अगर पानी आ भी रहा है तो बदबूदार गंदा पानी आ रहा है। देखिए मेरे कितनी नहाने की वजह से, उस पानी की वजह से एलर्जी है, और ये कई दिन से मैं इसकी दवाई ले रहा हूँ लेकिन एलर्जी ठीक नहीं हुई। यहाँ
दिन पर दिन हालत बहुत बिगड़ते जा रहे हैं और बच्चों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है गंदे पानी की वजह से, गंदे सिर्फ और सिर्फ गंदे पानी की वजह से, और गंदे पानी का बिल देना पड़ रहा है लोगों को यहाँ पर, और कोई गंदे पानी का बिल यहाँ क्षेत्र की जनता को देना पड़ रहा है। मैं केजरीवाल जी से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो कौंडली विधानसभा के कल्याणपुरी क्षेत्र में आकर जनता की सुध लें। ठीक है, आपका क्या नाम है? रमेश कुमार जी। अच्छा अंकल जी, कितने दिन से पानी नहीं आ रहा और कब से समस्या आई है पानी? मेरे को तो 4 महीने हो गए, पानी अभी तक टंकी नहीं भरी गई है। 4 महीने से? जी हाँ बिल्कुल। पानी का प्रेशर कैसा रहता है? प्रेशर तो बिल्कुल ऐसा होता है कि बिल्कुल नाम मात्रा के लिए गंदा पानी का प्रेशर आएगा बिल्कुल सटीक। अच्छा। और जब साफ पानी आएगा तो बिल्कुल जरा जरा सा आएगा, एक एक बूंद। जी हाँ ठीक है। और 4 महीने से टंकी नहीं भरी गई है बिल्कुल। अच्छा हाँ जी, मॉल का पानी लेके खरीद रहे हैं। खरीदना पड़ता है? जी हाँ। कितने में पड़ जाता है महीने में पानी आपको? पानी लगा लो आप, 3 बोतल आती हैं, 30 रुपए की एक बोतल है। 30 रुपए की? जी हाँ। तो 1000 से ऊपर का खर्चा तो आपका यही बैठ जाता। और बिजली का बिल अलग आता है जो पानी चलाते रहते हैं मोटर। अच्छा, मोटर का बिल अलग से आता है, पानी का बिल अलग आता है। अच्छा, तो यानी कि कहने को सब फ्री दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जनता का पैसा खूब फूक रहा है। खूब फूक रहा है जी, जनता का लूट रहे हैं। लूट रहे हैं बिल्कुल जी। ये तो झूठे वादे हैं कि पानी फ्री है, ये फ्री है, क्या फ्री है? कुछ भी नहीं है फ्री पानी। अच्छा, चुनाव के समय कहा, क्या कहा था, कैसा पानी देंगे? बिल्कुल साफ देंगे, क्लियर देंगे और 24 घंटे पानी देंगे। अभी तक यमुना तो साफ करा नहीं पाए हैं पानी। आधे घंटे पानी नहीं आ रहा, 24 घंटे की तो बात ही अलग है। मात्र आधे घंटे नहीं आ रहा, 24 घंटे की तो बात ही अलग है। 24 घंटे तो अभी तक उन्होंने दिया भी नहीं। बिल्कुल नहीं दिया जी, 4 महीने हो गए लगा रहे, टंकी नहीं भरी है, तो आप लगा लो कितना पानी आ रहा है। मनीष सिसोदिया भी खूब आके बोलते हैं कि जनता का जितना जितना काम वो लोग कर रहे हैं उतना तो किसी सरकार ने किया नहीं होगा। वो तो वैसे ही है बस, ये लारे लप्पे हैं वोट लेने के चक्कर में, जो सब कह देते हैं उसके बाद फिर वही है। तो दिल्ली की जनता क्या चाहती है इस बार? दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल या तो वादे पूरे करें या फिर बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं बिल्कुल, बदलाव चाहते हैं जी हाँ। पब्लिक को चाहिए क्या भाई? पानी वाली सुविधा सही होनी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, बीमार पड़ रहे हैं जी हाँ। चलिए ठीक है, अभी तो वो पंजाब जाकर भी खूब वादे किए थे 300 यूनिट फ्री देंगे, वादे हैं सब। यहाँ भी किए थे बिजली फ्री, वो झूठे ही हैं, झूठे ही हैं वादे। और क्या, बिल तो उतना ही आ रहा है टॉप का, बिजली का बिल आ रहा है जी बिल्कुल बराबर आ रहा है। कितना यूनिट फ्री मिल रहा है? अब कहने को तो 200 यूनिट फ्री है। हाँ। और बिल आ रहा 4000, 3500, 5000 जी हाँ। मतलब 200 यूनिट फ्री है फिर भी बिल इतना आ रहा है जी। और ये पानी की समस्या के लिए क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी पानी की समस्या का तो यही है कि जी समाधान सही होना चाहिए, समाधान होना चाहिए बिल्कुल। जो बात पानी से बीमारियां बढ़ रही है बिल्कुल जी, बढ़ रही है। हाँ जी, जगदीश चौधरी। अच्छा अंकल जी, यहाँ पानी का टैंकर वैंकर आता है? जब यहाँ पानी नहीं आता तो नहीं आता। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? 4 महीने के लगभग हो रहा है, जो कि यहाँ का पानी ना पी तो सकते ही नहीं है, यहाँ तक उसको टॉयलेट में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इतना गंदा पानी, इतनी बदबू होती है। अगर मोटर जब चलाते हैं और पानी जब आता है तो वो पानी कहीं तो घेरना पड़ेगा, जहाँ निकलेगा पूरे घर के अंदर बदबू हो जाती है। अच्छा, इतना गंदा, और बदबू भी कौन सी, सीवर वाली बदबू। सीवर का पानी नल में से आ रहा है? जी बिल्कुल, सीवर का पानी नल में से आता। अभी आप थोड़ा रुकिएगा, 5:05 जाने दीजिए, 5:05 में मैं आपको नल चला के दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी आएगा पानी? बिल्कुल आएगा। टैंकर भी नहीं भेजते? टैंकर भी नहीं भेजते। यहाँ से कंप्लेंट होती है पानी? आए दिन, कल भी मेरी बात जेई से हुई है, जो यहाँ जल बोर्ड के जेई है समझे, उनसे बात हुई है। कल करा दूंगा बाबू जी, कल करा दूंगा, लेकिन कराना तो दूर आए भी नहीं देखने के लिए, मतलब टाल देते हैं, टाल देते हैं समझे। अरविंद केजरीवाल ने कितने वादे किए थे दिल्ली में दिल्ली की जनता से और कितने पूरे किए? नहीं देखिए, वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन मेन वादा क्या है कि अमीर हो या गरीब हो, पानी तो एक ऐसी चीज है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, अब रही बिजली की बात, सर्दी में तो किस लोग इस्तेमाल नहीं करते, गरीब लोग मजदूर लोग हैं, डरते हैं, हीटर नहीं चलाते, अपना कंबल में या रजाई में टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन गर्मी में तो पंखा चलाएंगे ही, और यथासंभव जिसकी जैसी अपनी वो है जेब का खर्चा अलाउ करता है उतना वो कूलर भी चलाएगा। तो बिल तो वो 200 यूनिट तो पीछे रह गया। हाँ। जो सर्दी में हमें 1-2 महीने कम आया है या जीरो आया है, वो गर्मी में आके कई गुना ज्यादा हो जाता है। हाँ। जहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया वहाँ पर जीरो आया, जहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू किया 200 से ऊपर। बिल्कुल, हर घर में बिल आता है, हर घर में आता है। कितने का बिल आ जाता है? बिल मेरे यहाँ 3 मीटर लगे हुए हैं, 6000-7000 का पर मंथ का है। पर मंथ का। और रीडिंग कैसी होती है, तेज हो रही है क्या, मतलब नॉर्मल चलती है? नहीं, रीडिंग का तो ऐसा है मैम कि जैसे पानी का है, अब जब पानी जैसे इस्तेमाल करेंगे उसी तरह से मीटर चलता है। हाँ, लेकिन सबसे बढ़िया परेशानी क्या है गरीब को,
पानी तो चाहिए, जब पानी के लिए अपनी मोटर चलाएगा तो बिजली का मीटर चलेगा, पानी का मीटर चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोड पड़ रहा है वो बिजली के मीटर पर पड़ रहा है, समझे। जिस आदमी का बिल 1000 रुपये या 1500 रुपये आना चाहिए, उस आदमी का बिल कई कई हज़ार आ जाता है। मतलब बिना मोटर के आप कह रहे पानी आता ही नहीं? नहीं आता, मोटर जरूरी है, मोटर जरूरी है, यहाँ हर घर में मोटर, हर घर में, फर्स्ट फ्लोर पे भी यानी ग्राउंड फ्लोर में भी चाहिए तो मोटर से ही आएगा, अन्यथा पानी नहीं आएगा, नहीं तो पानी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, ये मैं देख रही थी गड्ढे खुदे हुए, पाइपलाइन डल रही है, कब से चल रहा है ऐसा है? इस पाइपलाइन को डले 3 महीने हो गए, लेकिन इसमें कनेक्शन नहीं हुए, पाइप डाल दिया दबा दिया है, कनेक्शन नहीं हुए। हाँ, अभी एक पीछे वाली एक गली रह गई थी हमारी, उसमें काम चल रहा है, समझे। अब 3 महीने तक जिसमें गेर दिया है पाइपलाइन, उसमें कनेक्शन नहीं हुए, उसके पता नहीं, हो सकता 2023 में जाके होंगे, 2023 में होंगे। अच्छा, उम्मीद किससे है आपको, कौन सरकार काम कर सकती है दिल्ली में? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे अगर देश की बात करें, देश तो एक बहुत बड़ा है, लेकिन हम केवल अपने क्षेत्र की बात करना चाहते हैं, खासकर कल्याणपुरी की। पहली बात तो कि जो भी नुमाइंदा हो वो हमारे बीच का हो, हमें ज़रूरत पड़ती है कल्याणपुरी में रात को किसी भी समस्या को लेकर के, तो हम कुलदीप कुमार मोनू को ढूंढने मंडावली कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे पास साधन नहीं है। यहाँ का विधायक मंडावली रहता है, यहाँ का विधायक मंडावली रहता है, और यदि वो हमारे क्षेत्र में रहता हो तो हम उसके दरवाजे पर जाके अनशन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको आधी रात को जगा सकते हैं। तो एक तो बात है कि हमारे बीच का, हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। दूसरा, आज देश की जनता ने हर पार्टी को अच्छी तरह से टटोल लिया है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। केवल केवल आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर ही देश के लोगों की नज़रें हैं, निगाहें हैं, क्यों कि चाहे हमारा घर हो या हमारा विदेश हो या प्रदेश हो या बॉर्डर की स्थिति हो, वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उससे निपटने के लिए केंद्र की सरकार ही जिम्मेदार है, वही आज तक हमारे देश को और हमको सुरक्षित रखे हुए है। अच्छा, यहाँ की जनता ने प्रदीप कुमार मोनू जो कि मंडावली में आप बता रहे रहता है, यहाँ का विधायक, उसको जिताया कैसे, यहाँ से चुनाव लड़ा था क्या? ऐसा मैडम कि नेताओं की एक प्रवृत्ति रही है झूठ बोल के लोगों को गुमराह करना, और तभी तो मैंने कहा कि अगर हमारे क्षेत्र का, हमारे बीच का आदमी यहाँ जीत के आए तो हम आधी रात को जाके उसके घर चले जाएंगे। अच्छा, कभी विधायक आया, कंप्लेंट सुनी आप लोग? विधायक नहीं आते। आप लोग मंडावली गए? मैं तो नहीं गया हूँ, जो सच है उसमें क्षेत्र में उन्होंने कई जगह लिखा हुआ यहाँ विधायक का ऑफिस है, लेकिन विधायक आते ही नहीं ऑफिस में। तो ये भी एक बड़ी समस्या। हाँ, बहुत समस्या है। ठीक है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार बोलते हैं कि दिल्ली की जनता बहुत खुश है और दिल्ली का मॉडल जैसे चला रहे हैं वो पंजाब में भी चलाएंगे और जाके गुजरात में भी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को जितना संतुष्ट उन्होंने किया हुआ है, जनता अपने आप को देखिए मुँह से ही बता रही है कि कितना दिल्ली की जनता को उन्होंने संतुष्ट किया हुआ है। आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा महेश भारती। अच्छा अंकल जी, अरविंद केजरीवाल ने कितना काम किया है, कितना खुश हैं आप उनकी सरकार से? जीरो। जीरो काम किया है। जनता खुश नहीं है? जनता खुश नहीं है। नहीं है, क्या लगता है क्या काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे दिल्ली, दिल्ली तो जी केजरीवाल, दिल्ली में कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। और दिल्ली के मॉडल का बखान तो कर रहे हैं हर जगह जाकर, हर राज्य में जाकर कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो दिल्ली के स्कूल चल रहे हैं, दिल्ली में पानी की व्यवस्था अच्छी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, ऐसा है क्या? आप देखिए ना, पूरी कल्याणपुरी में घूम लीजिए, पूरी दिल्ली में घूम लीजिए, कौन सा स्कूल बनाया उसने नया? एक भी स्कूल नहीं बनाया जी नया। अच्छा, और पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी अभी मोटर चलाते हैं तो आप सुनी देख लीजिए। अच्छा, हाँ चलाएं मोटर क्या? हाँ चलाइए। अभी पानी कैसा आता है, गंदा आता है, काला पानी आता है? आप देख लीजिए ना, अभी स्मेल आ जाइए ना पानी की। अच्छा, कितने बजे आएगा पानी? हाँ जी, कितने बजे आएगा? आने वाला है बस, अभी 5:30 बजे आता है। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज है मैडम। अच्छा, क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी, कैसे? केजरीवाल जी को नहीं कहूंगा मैं, कहूंगा मोनू को, उसका यहाँ। अच्छा, मेरे को यहाँ पहले ऑफिस दिखाओ, यहाँ पर कहाँ पर है उसका? अच्छा, यहाँ ऑफिस ही नहीं है। और उसने काम क्या करा है यहाँ पर? ये 4 खंभे खड़े कर दिए, ये जिम लगवा दी, गया, ये काम हो गया? ये पार्क के अंदर पानी भर जाता है, बीमारियाँ पैदा होती हैं, कभी आके देखते हैं यहाँ पर? यहाँ के लड़के अपने आप सफाई करते हैं इस पार्क की। अच्छा, तो विधायक कभी यहाँ पर चक्कर नहीं मार? कौन सा विधायक आ रहा है, कौन सा वो आ रहा है यहाँ पर निगम पार्षद, कोई नहीं आता यहाँ पर। जनता ने क्या सोच के जिताया इनको? जनता ने कहाँ जिताया, वो तो झुग्गी बुग्गियों से जीत गया। झुग्गियों से जीते? हाँ, यहाँ के यहाँ से ना जीतेगा वो? अच्छा, यहाँ से नहीं जीते। हाँ,
अच्छा, तो मतलब जो फ्री का लालच दिया हुआ था आम आदमी पार्टी ने, उससे वोट ज्यादा पड़े हैं क्या? बहुत ज्यादा पड़ेंगे उससे, पड़े हैं। तो लोगों को फ्री के बारे में सोचना चाहिए या अच्छी व्यवस्था के बारे में सोचना? अच्छी व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। अच्छी व्यवस्था मिली नहीं रही किसी को भी, देख लो गड्ढे कर दिए, पानी के लाइन डाल दी, उन्हें भरेगा कौन आके? जनता भरेगी उन्हें? गड्ढे कितने दिन से खुदे हुए हैं? ये 1.5-2 महीना हो रहा है इनको। तो आके ये लाइन भी शुरू नहीं किया पानी की? कुछ नहीं हो रहा मैडम, इसमें गंदा पानी अभी भी चालू है। गंदा पानी अभी भी चालू है, साफ ही नहीं आ रहा अभी। अभी भी साफ नहीं, नहीं आ रहा। और ये समस्या कितने टाइम से है आप? काफी बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। कंप्लेंट किया है आप लोगों ने? ये कंप्लेंट के थ्रू तो खुदी हुई है ये। ये एक प्रकार का ये भी ना बहुत बड़ा घोटाला है ये। पहले ये सीवर की लाइन है, पहले यहाँ पत्थर की लाइन थी और लगभग वो उससे 30-35 साल हो गए उस पत्थर की लाइन को। अच्छा, वो जस की तस थी। अब पूरी दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया है कि प्लास्टिक के पाइप लगा दिए मैडम। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो मेरे घर में खाना बच गया तो मैंने खाना यहाँ रख दिया कि चलो भाई जीव जंतु हमारे यहाँ पर खा लें, तो उसके कारण क्या है कि जैसे चूहे आ जाते हैं तो घूस वगैरह आ जाती है, वो खाने यहाँ पर रहेगी तो वो जो बिल है वो इसके अंदर ही करेगी। अब अनफॉर्चुनेट क्या है कि प्लास्टिक का पाइप है तो अब वो प्लास्टिक के पाइप को खोदेगी, अब प्लास्टिक के पाइप को खोदेगी तो वहाँ पर जाहिर सी बात है लीकेज होगा, लीकेज होगा तो जो आसपास के मकान हैं इनमें लीकेज बढ़ेगा। तो इन्होंने जो है ना, ये पहले सीमेंट के पाइप थे जो तार से बंधे हुए थे, वो पाइप बहुत बढ़िया थे, अब इन्होंने प्लास्टिक के पाइप डाल दिए बिल्कुल हल्के, एक फावड़ा मारो और वो टूट जाता है, लीक हो जाता है जल्दी। तो आने वाले टाइम में घरों में सीलन होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा घोटाला है। आपका क्या नाम है? मैडम सागर नाम है मेरा। यही रहते हैं? यस मैडम यही रहता हूँ। पानी की समस्या है यहाँ पर? पानी की समस्या तो है मैडम, लेट आता पानी, फिर एक आध घंटे आता, फिर गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता? हाँ जी। अच्छा, उस पानी को आप लोग किस में इस्तेमाल करते हैं? किसी चीज में भी यूज नहीं होता, वो तो यूज नहीं होता है, टंकी भी नहीं भर पाती। टंकी भी भर नहीं पाती। फिर कैसे गुजारा होता है बिना पानी के? बस ऐसे ही होता है, बाहर से भर के बाहर से खरीद के लानी पड़ती है बोतले में। हाँ पैसा दे के। जबकि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि वो फ्री दे रहे हैं। कुछ फ्री नहीं दे रहे, बस कुछ फ्री नहीं दे रहे। तो गंदा पानी क्या कहेंगे सरकार की तरफ से? कभी कोई आता है देखता है परेशानी की कितनी परेशानी हो रही है पानी की वजह से आप लोगों को? हमें तो बहुत परेशानी हो रही है, हम तो उसके आ नहीं सकते। कोई नेता आया कभी यहाँ पर? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, लाइनें वगैरह डाल रहे हैं क्या आगे? हाँ, पहले रोड बनाया था, फिर दोबारा उन्होंने फिर तोड़ के फिर दोबारा बना रहे, तोड़ के मतलब रोड एक पूरा खराब कर रखा है बिल्कुल सा। रोड भी खराब कर दिया, रोड खराब। लाइन डालते हैं लेकिन उसमें पानी नहीं आता? नहीं आता, नहीं आता। चलिए ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की बहुत अहमियत है और ये लोग लाइन डाल के चले जाते हैं लेकिन उस लाइन का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि पानी ही नहीं आता है उसमें।